ना मिल्क पाउडर, ना कंडेंस मिल्क, ना मावा, बस दो चीज़ों से बनाएंगे ठेले वाली मलाईदार कुल्फी इस नए और सीक्रेट तरीके से। सबसे आसान, बिना झंझट, बिना मेहनत, 100% बनेगी बिल्कुल मार्केट से भी बेहतर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पैन में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि दूध जले ना, और इसमें हम डाल देंगे 1 लीटर फुल फैट दूध। अच्छा, यहाँ पे पहला आपका पॉइंट ये आता है कि जो दूध है ना फ्रेंड्स, वो मैं यूज़ कर रही हूँ कच्चा। कोशिश करके कच्चा दूध ही यूज़ कीजिएगा। अगर आप पका हुआ यूज़ करेंगे ना तो ऊपर से थोड़ी सी मलाई आ जाती है और सतह पर थोड़ा सा तेल आ जाता है, घी आ जाता है, जिसकी वजह से कुल्फी थोड़ी सी अलग बनती है। पर अगर इन केस आपके पास है ही नहीं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करके कच्चा दूध ही यूज़ करना है। इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको यहाँ पे मोटे तले का बर्तन यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे मैं हार्ड एनोडाइज पैन यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करके नॉनस्टिक या एल्यूमिनियम नहीं यूज़ कीजिएगा। तो इसको ऐसे लगातार चलाते रहेंगे जैसे इसमें उबाल आ जाए। ये देखिए, दूध में थोड़ा सा उबाल आ गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको लगातार चलाते रहना है फ्रेंड्स, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जैसे कि नॉर्मली हम रबड़ी बनाते हैं ना, तो जो भी इसकी मलाई जमा होती जाएगी वो अंदर ही आ जाएगी, या फिर आप स्क्रैच करके इसको बीच में डाल सकते हैं, या फिर साइड में चिपकाते जाइए और बाद में आप सेंटर में डाल सकते हैं। बस इसको लगातार चलाना है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो दूध अभी गाढ़ा होने लगा है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसको लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी पीछे गैस पे, पर इसको बीच में ध्यान देते रहिएगा ताकि नीचे से लगे ना, तब तक हम अपनी बाकी तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं यहाँ पे शुगर के बदले यूज़ कर रही हूँ मिश्री। ये धागे वाली मिश्री बहुत ईजिली मिल जाती है मार्केट में, ये मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप। इसका मैंने पाउडर बना दिया था, इसको मैं डाल रही हूँ इस पैन में, और इसका अब हम कैरमल बनाएंगे। फ्रेंड्स नॉर्मली डायरेक्टली शुगर डालते हैं, लेकिन इसको मैं कैरमल बना के डाल रही हूँ। इसका जो टेस्ट है ना और कलर एकदम ही अलग आएगा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसको लो मीडियम फ्लेम पे ऐसे पकाते जाइए शुगर को, क्योंकि ये पाउडर है ना फ्रेंड्स जल्दी से डार्क हो जाएगी। ये देखिए, जैसे जैसे पिघलने लगेगी थोड़ा सा डार्क हो जाएगी, कैरमल गोल्डन कलर इसमें आ जाएगा इजीली। तो इसको थोड़ा थोड़ा चलाते भी जाइए। अगर आपको ऐसे लगे कि इसमें लम्स आ रहे हैं, कांटे पड़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो बाद में अपने आप मेल्ट हो जाएगी गर्म दूध में। तो ये देखिए, एकदम बढ़िया सा कैरमल कलर आ गया है। इतना करने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट लगे, और क्योंकि ये जले ना तो इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा पानी और एक कैरमल का पानी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इतना डार्क मैंने इसको रखा है। चलिए दूध को भी चेक कर लेते हैं। दूध थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है, ये देखिए अपनी क्वांटिटी से रिड्यूस होके ऑलमोस्ट हाफ ही हो गया है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कैरमल वाला पानी जो हमने तैयार किया था, और इसको मिक्स करके और थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। करीबन 1/3 तक के हमको करना है दूध को, ताकि जो कुल्फी है एकदम मलाईदार और क्रीमी बने। अच्छा, कैरमल का फायदा फ्रेंड्स ये है कि एक तो पहली चीज़, एकदम मार्केट वाली आपकी कुल्फी बनेगी, जैसे कि उनका कलर रहता है, तो आपको कोई आर्टिफिशियल कलर और प्रिजर्वेटिव्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़, मिठास भी अपने आप ही इसे ऐड हो जाएगी। एंड नॉर्मली भी फ्रेंड्स, अगर आप कोई डेजर्ट बनाते हैं ना, जैसे कि घर पे अगर मान लीजिए आप कॉफ़ी बनाते हैं, कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं, तो इन दैट केस अगर आप शुगर के बदले कैरमल डालेंगे ना, तो उसका अलग ही टेस्ट आता है, अलग ही लेवल पर चली जाती है डिश। तो कैरमल डालने के बाद भी मैंने दूध को पकाया करीबन 4 से 5 और मिनट के लिए। देखिए, और ज़्यादा कम हो गया है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बस 1/4 टीस्पून ऑफ इलायची पाउडर। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपको सिर्फ दूध दूध की कुल्फी चाहिए ना, जैसे नॉर्मली हम बचपन में खाते थे बिना फ्लेवर की, तो आप इलायची पाउडर स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता बादाम या कि नट्स भी कोई भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने आप सबसे वादा किया कि मैं 2 इंग्रेडिएंट्स से बनाऊंगी, तो मैं 2 ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ। इलायची एकदम ऑप्शनल है, कोई कॉर्नफ्लावर, मिल्क पाउडर, कंडेंस मिल्क, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम ऑथेंटिक तरीके से हम बनाएंगे। और मान लीजिए अगर आपको फ्रेंड्स मीठा कम लग रहा है ना, तो यहाँ पे आप 2 से 3 टेबलस्पून एक्स्ट्रा शुगर या एक्स्ट्रा मिश्री का पाउडर भी डाल सकते हैं, आप टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, जो बेस है मुझे एकदम रबड़ी जैसा लग रहा है, थोड़ा सा मलाईदार लग रहा है। अगर आप एकदम गाढ़ा कर देंगे ना फ्रेंड्स, एकदम ही गाढ़ा जैसे रबड़ी होती है, तो वो जमने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। इसलिए एकदम पतला भी नहीं रखना है और एकदम गाढ़ा तो बिल्कुल ही नहीं रखना है। जैसे मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे।
तो जब तक ये हमारा दूध ठंडा हो रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स मैं कौन से मोल्स यूज़ कर रही हूँ। मैं ये लंबे वाले मोल्स यूज़ कर रही हूँ, मार्केट में नहीं तो ऑनलाइन आपको एकदम ईजिली मिल जाएंगे, मैंने ऑनलाइन खरीदा था। और अगर आपको भी खरीदना है तो उसका बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बस बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए मैं ये लंबे वाले मोल्स यूज़ कर रही हूँ, इसमें अलग ही टेस्ट आता है पता नहीं क्यों। तो मिक्सर ठंडा होने के बाद मैंने एक जग में डाल दिया था, इसमें इसको पोर कर देंगे। तो सारे कुल्फी मोल्ड्स में ये मिक्सचर डालते जाइए, वैसे आप चाहें तो एक बड़े डब्बे या फिर डिस्पोजेबल कप्स, चाय के ग्लासेस में, किस में भी आप डाल सकते हैं। तो बस इस वक्त मैं इसमें स्टिक नहीं डाल रही हूँ, 2 घंटे के बाद स्टिक डाल रही हूँ जब ये सेमी सेट हो जाएगा, और इसको फ्रीज करेंगे ओवरनाइट। तो पूरी रात के लिए मैंने इसको सेट कर लिया था, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है। तो अब तो मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ, जल्दी से डिमोल्ड करते हैं। तो इसको डिप डिप करेंगे पानी में, हल्के से अपने हाथों में से चला लेंगे, हाथों की गर्मी से क्या होता है ना जल्दी से डिमोल्डिंग हो जाती, और निकाल देंगे। सुपर, वाओ, अमेजिंग फ्रेंड्स, ऐसे मुझे कुल्फी चाहिए थी ना, बिल्कुल वैसे ही निकली है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखिए आप देख सकते हैं कितनी दरदरी निकली, एकदम प्लेन मलाई कुल्फी जो कि बचपन में हम खाते थे। तो बस इसी तरह से सारे कुल्फियाँ निकाल देंगे। और फ्रेंड्स आपको देख के ऐसा लग रहा है कि कितनी बढ़िया 2 इंग्रेडिएंट से बन गई, ना कोई हमने कॉर्नफ्लावर डाला, ना कस्टर्ड पाउडर डाला इसको थिक करने के लिए। आपको चाहिए तो इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, सिर्फ फोटो पर्पज़ के लिए मैं डाल रही हूँ। और बचपन में ना हमारे घर के बाहर एक पिट्ठल कुल्फी वाला आता था, वो हमको इसके ऊपर नारियल का चूरा लगा के देता था। आपको चाहिए तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल के इंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी। बाय बाय।